नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल क्विक नॉलेज में। आज हम नज़र डालेंगे आज की 10 बड़ी खबरों पर, तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को हार्ट अटैक, रिम्स में भर्ती कराए गए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को गुरुवार सुबह मेजर हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएम हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता उनसे मिलने के लिए रिम्स पहुंचे। दीपक प्रकाश को पार्टी ने इसी वर्ष प्रदेश अध्यक्ष का पदभार सौंपा है। विशाखापट्टनम स्थित एक फैक्ट्री में गैस लीक होने से बड़ा हादसा हुआ। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित एक फैक्ट्री में गुरुवार की सुबह अचानक स्टायरीन गैस लीक होने से बड़ा हादसा हो गया। यह हादसा विशाखापट्टनम के आर वेंकटपुरम गांव में स्थित एलजी पॉलीमर उद्योग में हुआ। पीएम मोदी ने घटना को लेकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए की अधिकारियों के साथ बैठक की। इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मरने की खबर है, साथ ही 1000 से अधिक लोग प्रभावित हुए। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने मृतक के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपये देने की घोषणा की, साथ ही जो लोग वेंटिलेटर पर हैं उनके परिजनों को 10 लाख रुपये की मदद दी जाएगी। आंध्र प्रदेश डीजीपी ने बताया कि अब गैस को बेअसर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस घटना की जांच की जाएगी। पलामू से 5 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से झारखंड में संक्रमितों की संख्या 132 हुई। गुरुवार को पलामू में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। जानकारी के अनुसार पॉजिटिव पाए गए लोग छत्तीसगढ़ के वेंकटपुर के कोरिया से आए थे। इसके बारे में प्रशासन को यह सूचना मिली थी कि सभी छत्तीसगढ़ के क्वारंटाइन सेंटर से भाग गए हैं। इस सूचना पर सक्रिय होकर प्रशासन ने इन लोगों को पकड़कर इलाज के लिए तुम्बागारा के कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया था। इन 5 लोगों को मिलाकर राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 132 हो गई है। 3 लाख लोगों ने वापस आने के लिए कराया पंजीकरण, हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने बताया कि लगभग 3 लाख लोगों ने झारखंड लौटने के लिए पंजीकरण कराया है। उन सभी लोगों को वापस लाया जाएगा जो घर आना चाहते हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार पिछले कई दिनों से बाहर फंसे मजदूरों और छात्रों को वापस ला रही है। एम्स ने जारी की चेतावनी, जून जुलाई में चरम पर पहुंच सकती है महामारी। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि देश में कोरोना के आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं उन्हें देखकर यह कहा जा सकता है कि जून जुलाई के महीने में यह बीमारी अपने चरम पर होगी। हालांकि समय के साथ ही हमें यह पता चल पाएगा कि यह बीमारी कितनी प्रभावी होगी और लॉकडाउन का कितना प्रभाव वायरस पर पड़ा। जेईई एडवांस की परीक्षा 23 अगस्त को आयोजित की जाएगी। एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि जेईई एडवांस की परीक्षा 23 अगस्त को आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि जेईई मेंस तथा नीट की परीक्षा पहले ही घोषित कर दी गई है, जिसमें जेईई मेंस 18 जुलाई से और नीट की परीक्षा 26 जुलाई को आयोजित की जाएगी। बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह और सिमडेगा से भागा कोरोना, अब तक 42 स्वस्थ। झारखंड में गुरुवार को कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या 42 हो गई। बोकारो के 3 तथा सिमडेगा के 1 मरीज अस्वस्थ घोषित कर दिए गए। इसके साथ ही बोकारो में अब कोई एक्टिव केस नहीं बचा। सिमडेगा में 2 मरीज के ठीक होने के साथ ही जिला में कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं रहा। इससे पहले हजारीबाग, धनबाद तथा गिरिडीह के सभी मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। SBI ने ब्याज दरों में की 0.15% कटौती। SBI ने ऋण की अपनी कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर MCLR को 0.15% घटा दिया है। इसके अलावा देश के इस सबसे बड़े बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष जमा योजना की भी शुरुआत की है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को अधिक ब्याज मिलेगा। COVID-19 को लेकर रांची DC ने की बैठक। हिंदपीढ़ी में नए मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया और कंटेनमेंट जोन में कोई भी पास वैध नहीं माना जाएगा। गढ़वा में 48 घंटे से ब्लैकआउट, जनजीवन प्रभावित। गढ़वा में पिछले 48 घंटे ब्लैकआउट के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। मंगलवार की रात आई आंधी से मची तबाही से अभी तक लोग उबर नहीं सके हैं।
बिजली की आपूर्ति ठप होने के कारण खासकर शहरी क्षेत्र पेयजल की गंभीर संकट से लोग जूझ रहे हैं। झारखंड से बाहर जाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर कराएं रजिस्ट्रेशन। कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न लॉकडाउन में झारखंड में फंसे अन्य राज्य के लोगों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड सरकार ने उन्हें अपने राज्य भेजने का फैसला किया है। उन्हें झारखंड सरकार की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए स्क्रीन में दी गई वेबसाइट पर जाएं और अपनी पूरी जानकारी दर्ज करें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की 10 बड़ी खबर। तो मिलते हैं कल नई खबरों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्विक नॉलेज।